Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मोती खोजने की अनोखी तरकीब से लेकर उधार वसूलने के मजेदार तरीके तक मार्को अपने भारत में बिताए पहले कुछ महीनों में देख चुके थे, पर अभी तो उन्हें बहुत कुछ देखना था। पश्चिमी भारत के सफर में मार्को ने क्या किया जब पारिस के जहाज उनके पीछे लग गए? किस फेमस एक्सप्लोरर ने मार्को की किताब से मार्गदर्शन लिया? आइए देखते हैं। मार्को पोलो पांड्यन साम्राज्य के बाद वहां से 500 मील उत्तर की तरफ बसे मुरफिली साम्राज्य में। मुरफिली अभी के तेलंगाना राज्य में था। यहां उन्हें रुद्रमा देवी के बारे में लोगों ने बताया, जो कि काकतीय वंश की महारानी थीं, और अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली थी। मार्को रुद्रमा देवी के बारे में लिखते हैं, वो न्याय, अपक्षपात और शांति चाहने वाली थी, और उनकी प्रजा उन्हें पहले के किसी भी राजा या रानी से ज्यादा प्रेम करती थी। वो फिर काकतीय राज्य की हीरे की खाने देखने गए गोलकोंडा में, जहां से सबसे ज्यादा हीरे मिलते थे। मार्को ये देखकर हैरान हुए कि इतनी खैरी खान से वो हीरे कैसे निकालते थे, लेकिन फिर जो मार्को ने देखा वैसा उन्होंने कहीं नहीं देखा था। हीरों को इंसान नहीं, चील निकालती थी। जी हाँ, वो समझाते हैं, हीरे की गहरी खान में लोग मांस के टुकड़े फेंकते थे और हीरे उन टुकड़ों से चिपक जाते थे। फिर जब चील मांस के लालच में खान में जाती थी तो टुकड़ों को अपने पंजे में फंसाकर उड़ जाती थी। जैसे ही चील ऊपर आती थी तो फिर लोग आवाजें कर चील को डराते थे और वो डर के मारे टुकड़ों को छोड़कर वहां से भाग जाती थी। फिर लोग जाकर मांस में से कीमती हीरे बड़े आराम से निकाल लेते थे, जो वो खुद कभी इतनी गहरी खान से ना निकाल पाते। सिंबा द सेलर वैली ऑफ डायमंड्स कहानी भी मार्को की किताब के इसी भाग से इंस्पायर्ड थी। फिर मार्को कोंकण गए और वहां उन्होंने कुछ प्रथाएं देखी जिनसे वो काफी प्रभावित हुए। मार्को बताते हैं, वहां के ब्राह्मण व्यापारी जब भी कोई सौदा करने जाते थे तो सुबह बाजार जाकर सौदे के समय अपनी परछाई को नापते थे और परछाई की लंबाई देखकर ही सौदे का मुहूर्त तय करते थे। शायद यहीं से पूर्व की इस शुभकामना की शुरुआत हुई होगी, आपका साया कभी कम ना हो। इसके बाद मार्को जब पश्चिमी तट पर जहाज में जा रहे थे तो पायरेट्स उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने अपने जहाज को भगाया, लेकिन पायरेट्स भी बहुत चालाक थे। उनके कई जहाज समंदर में एक के पीछे एक तैनात थे और आगे वाले जहाज को वो शीशे से लश्करे मारकर सिग्नल देते थे ताकि वो हमले के लिए तैयार हो जाए। अब एक दूसरा जहाज उनके करीब आ रहा था। मार्को उनके जाल में फंसने ही वाले थे, लेकिन तभी उनके जहाज ने तेजी पकड़ी और वो पायरेट से बचकर निकल गए और किसी तरह महाराष्ट्र के थाने पोर्ट पहुंच गए। फ्यू, थाने में उस समय सिलाहारा साम्राज्य का शासन था। वो बताते हैं कि राजा पायरेट से मिले हुए थे और उनकी डील ये थी कि जितने भी उनके घोड़े के जहाज हैं वो उन्हें ना लूटें, बाकी लुटेरे अपना काम करते रहते थे। अरब सागर के पायरेट्स की वो एक और मजेदार बात बताते हैं कि पायरेट्स जहाज को लूटते थे लेकिन कभी किसी को मारते नहीं थे, और रिहाई के समय कहते थे, जाओ एक और सामान भरा जहाज लेकर आओ ताकि हम तुम्हें फिर से पकड़कर तुम्हारा सामान छीन सकें। उसके बाद मार्को गुजरात पहुंचे, जहां के बाजारों में व्यापार जोर शोर से चल रहा था। मार्को को वहां ये कहना पड़ गया कि भारत के बाजारों ने ईस्ट एशिया के बाजारों को पीछे छोड़ दिया है। खंबट में उन्होंने बहुत बड़े बड़े वेयरहाउस देखे, जैसे उन्होंने सिर्फ चाइना में ही देखे थे। फिर 1294 में वो सोमनाथ होते हुए भारत से निकल गए। मार्को ने भारत का जो हीरे जवाहरात से भरे देश का चित्र दुनिया के सामने रखा, उससे पश्चिमी लोग बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि भारत इतना संपन्न देश है। उसके बाद लोगों की भारत को और जानने की इच्छा हुई और कई ट्रैवलर्स जैसे कोलंबस मार्को की किताब लेकर ही इंडिया खोजने निकले थे। अपनी 24 साल की जर्नी में से मार्को सिर्फ 1.5 साल ही इंडिया में थे,
और अपनी बुक में खासकर उन्होंने कोस्टल एरियाज के बारे में ही लिखा है। अपने ट्रैवल्स के आखिर में मार्को बताते हैं, मैंने भारत के भीतरी भाग के बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि अगर वो बताता तो कहानी और लंबी हो जाती। खैर, हम तो वो भी बड़े शौक से पढ़ते मार्को। अगले एपिक एक्सप्लोरर हैं फाहियान, जो 62 साल की उम्र में हजारों किलोमीटर का सफर करके चाइना से इंडिया आए, और वो भी पैदल। चलते चलते वो कितने दिनों में इंडिया पहुंचे और अपने ट्रैवल से भारत आने के लिए किस फेमस एक्सप्लोरर को इंस्पायर किया, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।